सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का 13th चैप्टर करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या रोल होता है। अब ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें सबसे पहले वर्ड आपके पास आता है मैग्नेटिक। अब देखिए, मैग्नेटिक वर्ड या मैग्नेट वर्ड जब हम छोटे थे तब हमने एक बहुत ही सिली सी गेम खेली हुई होती है या फिर एक्सपेरिमेंट किया होता है। हम मिट्टी में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, बॉल में जो मैग्नेट आता है वैसा कुछ मैग्नेट, और फिर उसके बाद में उसको उसमें रोल करवाते हैं मिट्टी में या फिर कोई ऐसी चीज़। जैसे सिर्फ हमें इतना पता होता है कि उस टाइम पे कि आयरन जो है वही मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या फिर मैग्नेट से सिर्फ आयरन को ही अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो उसमें सैंड में जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होते हैं वो उस मैग्नेट पे आके चिपक जाते हैं, या फिर हमने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होते हैं लाइक फैन हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब में भी हमने मैग्नेट को देखा हुआ होता है। तो मैग्नेट देखा होना और उसमें क्या प्रॉपर्टीज लगती हैं उसमें डिफरेंस होता है। तो मैग्नेट हम देख चुके हैं पहले भी, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत हमें पता होता है, लेकिन आज जब हम ये चैप्टर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि मैग्नेट में अट्रैक्शन की जब बात आती है तो सिर्फ आयरन ही नहीं होता, और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेता है, कितने एरिया में या मैग्नेटिक जो मैग्नेट है उसकी अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है, किस वे में वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी मटेरियल को। तो आज ये इस चैप्टर में हम सब पढ़ने वाले हैं। नाउ मैग्नेट, मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। अब देखिए, मैग्नेट होता क्या है, एक कोई भी ऐसा मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। मेन थिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनविजिबल होती है, मीन्स हमें दिखाई नहीं देती, वो एक इमेजिनरी लाइन से हम उसको ड्रॉ करते हैं। अब फोर्स दैट पुल्स ऑन अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज आयरन एंड अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर मैग्नेट्स। मैग्नेट में एक ऐसा फोर्स होता है जो अपनी साइड किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पुल मींस की खींचता है। इसमें एग्जांपल दे रखा है आयरन, आयरन के अलावा निकल और कोबाल्ट भी है जो कि मैग्नेट अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेट में जब अट्रैक्ट की बात आती है तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्शन। अट्रैक्शन का मतलब किसी चीज़ को अपनी साइड अट्रैक्ट करना, और रिपल्शन का मतलब या रिपेल करने का मतलब होता है कि उन दोनों का आपस में दूर जाना। अब मैग्नेट हमारे पास बहुत सारे वैरायटी में आते हैं जो कि हमने मतलब एप्लीकेशन बेस पे देखे होते हैं, लेकिन जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। जब नेचुरल और आर्टिफिशियल को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मैग्नेट के 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी, सेकेंड परमानेंट, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट होता है उसे टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है या माइनर सा होता है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमारे 2 मैग्नेट्स आते हैं, परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट तब होता है जब किसी मटेरियल से करंट को पास करके हम उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करवाते हैं। अब ये तीनों को हम 1 by 1 इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को हम कब मैग्नेट बोलेंगे या मैग्नेट किस तरीके के चीज़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की। फर्स्ट वन इज मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है जो कि आयरन हो, लोहा, निकल या फिर कोबाल्ट से बने हुए होते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट ड्रॉ किया हुआ है, ये मैग्नेट का टाइप होर्सशू मैग्नेट है। अब इसमें देखिए, मैग्नेट में यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी आयरन नेल्स बनाई है। अब ये मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट हो रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉर्थ एंड साउथ पोल, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। इस टाइप के मैग्नेट को हम बार मैग्नेट पढ़ते हैं, और इस चैप्टर में हम बार बार इस मैग्नेट का यूज करने वाले। इस मैग्नेट को बार मैग्नेट कहते हैं और इसे होर्सशू मैग्नेट कहते हैं।
नाउ मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, फर्स्ट इज नॉर्थ एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल. नॉर्थ को आप एन से डिनोट करेंगे, साउथ पोल को एस से डिनोट करेंगे. थर्ड प्रॉपर्टी है पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. जो पोल्स होते हैं हमेशा वो एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में. जैसे कभी भी मैग्नेट को अगर आपने बीच में से ब्रेक कर दिया, नॉर्थ पोल अलग हो गया और साउथ पोल अलग हो गया, तो मैग्नेट अपना वर्क करना बंद कर देता है. इट मींस कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो सकती, ना कोई फोर्स उसमें अप्लाई हो सकते हैं. जब तक मैग्नेट पेयर में होता है, लाइक नॉर्थ एंड साउथ या नॉर्थ साउथ कैसे भी होते हैं, लेकिन पेयरिंग में जब मैग्नेट होता है तो उस टाइम पे मैग्नेट वर्क करता है. तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी. नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर. जब कभी भी ऑपोजिट पोल्स होते हैं, मींस ये नॉर्थ है साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ है, आप देखिए यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे क्या है नॉर्थ, तो ये दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे. वहीं जब इसका ऑपोजिट होगा, मींस कि लाइक पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ नॉर्थ, अब यहाँ पे देखिए साउथ और यहाँ पे क्या है साउथ, ये दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे क्या होता है रिपल्शन होता है. इस केस में देखिए यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ है, दोनों सेम हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा रिपल्शन. ये जो मैग्नेटिक मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं, इन पे आपका कई बार क्वेश्चन आता है और इन सिक्स प्रॉपर्टीज में से किसी ना किसी एक पे वन मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है. तो इनको प्लीज अच्छे से पढ़िएगा. और इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे इसके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा. नाउ सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय अ थ्रेड इट अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब इस पॉइंट का मतलब देखिए, फ्रीली का मतलब होता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं. तो यहाँ पे हमने एक ये स्टैंड लिया है, इसमें थ्रेड से मैग्नेट को ऐसे लटका दिया है. तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि अगर हम इस तरीके से किसी भी मैग्नेट को लटकाते हैं तो ये अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में अपने आप से ये लटक जाएगा. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमिलर टू अदर इफेक्ट्स. अब ये जो पोर्शन है ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जो मैंने आपको बताया था कि थर्ड टाइप होता है परमानेंट मैग्नेट का, सॉरी आर्टिफिशियल मैग्नेट का, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ते हैं. सिमिलर टू अदर इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट. अब जितने भी इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं या हमें पता है कि मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है, उन सब के अलावा एक जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वो भी कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रिक करंट से जो इफेक्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं. दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस में मैग्नेटिक, मैग्नेटिक वर्ड मीन्स की मैग्नेट और इलेक्ट्रो मीन्स की जो आपका इलेक्ट्रिक करंट से आया है. नाउ नेक्स्ट वन इज इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ कंपास इज ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मीन्स कि कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट है, ऑब्वियसली अगर मैंने कंडक्टर बोला है तो उसमें करंट होगा ही होगा. इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ कंपास इज ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर. जब कभी भी हम कंपास को लेते हैं कंडक्टर के पास, जो निडल होती है डिफ्लेक्शन की, कंपास में जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उस कंडक्टर में क्या हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है जिसकी वजह से उसमें डिफ्लेक्शन होता है. दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. अब इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है. ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि आप कब किस सिचुएशन में बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो आप इसको उसमें लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट दोनों एक ही उससे समझे जा सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है. जब कभी भी एक मैग्नेट के आसपास का एरिया, अब हमें ये चीज़ पता है कि मैग्नेट एक लिमिट तक अपनी साइड अट्रैक्ट करता है. अगर कोई बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है तो वो ज़्यादा लेवल पे अट्रैक्ट करेगा, अगर छोटा मैग्नेट है तो उसमें अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाता है. तो जब कभी भी मैग्नेट अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट करता है कि इस रेंज तक या इस एरिया में वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. और जो ये इमेजिनरी लाइन्स मैंने डॉटेड लाइन्स जो ये ड्रॉ करी हुई हैं, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं. अभी हम इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे.
लेकिन उससे पहले ये देखिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये यहाँ से मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये पूरा आपका एक क्रॉस करते हुए सर्कल बनाता है, पूरा प्रॉपर सर्कल। यहाँ नीचे देखिए, ये इसकी डायरेक्शन होती है, यहाँ से ये एरो और फिर ये ऐसे इस तरीके से ये क्लोज पाथ बनाता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो पूरा पेज है, इसमें से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स की फॉर्म में जब आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने आपको बताई ये चीज़ कि मैग्नेट के कोई भी बार मैग्नेट है उसके आसपास में या किसी भी मैग्नेट में एक लिमिट होती है, एक पावर होती है कि इस लिमिट तक वो किसी भी चीज़ को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो जो एरिया होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इन द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास और एनी अदर मैग्नेट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डिटेक्ट कंपास से कर सकते हैं, निडल डिफ्लेक्ट करती है, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। नाउ इमेजिनरी लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम दिखाया था, उसमें मैग्नेट के आसपास में जितनी भी लाइंस ड्रॉ करी हुई थी, इमेजिनरी लाइंस थी वो, जो हमें इनविजिबल होती है, हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उसको ड्रॉ किया हुआ था, उन लाइन्स को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, इनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उस पर क्वेश्चन आता ही आता है आपका। नाउ फील्ड लाइन्स ऑफ अ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी डिडक्टेड यूजिंग अ कंपास, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है इस पेज पे। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस है जो मैंने मार्क किए हुए हैं। फील्ड लाइन्स ऑफ अ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी डिडक्टेड यूजिंग अ कंपास, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जो फील्ड लाइन्स होती हैं उनको हम कंपास से डिटेक्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने आपको 2 क्वांटिटीज पढ़ाई हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स। जब कभी भी हम फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो जो डायरेक्शन होती है वो 2 सिचुएशंस में होती है, फर्स्ट आउटसाइड एंड सेकेंड वन इज इनसाइड। अगर आउटसाइड की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में होंगी, और इनसाइड की बात करें तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल में होंगी। अब देखिए, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नेक्स्ट इज इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इन शॉर्ट, आउटसाइड की बात करें तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होती है, और सॉरी आउटसाइड की बात करें तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होती है, इनसाइड की बात करें तो साउथ से नॉर्थ पोल पे डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि किस रेंज तक या किस लेवल तक मैग्नेट अपने साइड किसी चीज को या किसी मटेरियल को, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, या कहाँ पे स्ट्रेंथ, कहाँ पे पावर मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होती है। तो देखिए, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज क्लोजर लाइन शोज स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। अब नीचे ये डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट ड्रॉ किया, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है, ये जो लाइन्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। अब यहाँ पे ये पूरी डेंस हो गई है, ये जो बल्क में बनी हुई है ना दोनों साइड में, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये डेंसर वाला पोर्शन होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे इतना डेंसर नहीं होता, यहाँ पे जब हम इसको ड्रॉ भी करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें गैप आ जाएगा। नाउ क्राउडेड फील्ड लाइन्स नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट शोज मोर स्ट्रेंथ। जो ये फील्ड लाइन्स है मैग्नेट के पोल्स के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, जो स्ट्रेंथ होती है या पावर होती है मैग्नेटिक फील्ड्स की, वो बहुत ही ज्यादा होती है। सो अभी जो हमने पढ़ा है डायरेक्शन और स्ट्रेंथ, इसके अलावा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो फील्ड लाइन्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, किस टाइप के उनके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।